बख्तियारपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में अगर एनडी गठबंधन की सरकार बनी तो अग्निवीर योजना को खत्म कर पक्की नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल में जो भी फैक्ट्रियां बंद की गई हैं उसे फिर से चालू किया जाएगा। आपका पूरा का पूरा रिजर्वेशन चला जाएगा। 15 अगस्त के दिन 30 लाख खाली 4 जून के बाद इंडिया की सरकार आने वाली है। अग्निवीर योजना को फाड़ के हम कूड़ेदान में फेंकने जा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की योजना है। आर्मी इस योजना को नहीं चाहती है। ये ऊपर से थोपी गई है और हमारा पहला काम अग्निवीर योजना को फाड़कर कूड़ेदान में फेंकने का होगा। हम दो तरीके के शहीद नहीं चाहते हैं। अग्निवीर योजना एक जवान को शहीद का दर्जा नहीं देगी और जो नॉर्मल तरीके से जवान बनेगा, जो अफसर होगा, उसे शहीद का दर्जा मिलेगा। अग्निवीर को पेंशन नहीं मिलेगी, दूसरे जवान को पेंशन मिलेगी। अग्निवीर को कैंटीन नहीं मिलेगी, दूसरे जवान को कैंटीन मिलेगी। ये अन्याय हम नहीं चाहते हैं।